500 ml की। अरे इसी पे है सब, गाय का ही दूध है, कुछ होता ही नहीं है। हो गए मजे हो गए। इधर आ, कौन ना, हमको सर्दी हो रखा। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, मेरा कॉलेज भी शुरू होने वाला है और काफी टाइम से मेरा जो पुराना वाला शूज था वो फट गया, खराब हो गया। तो सेल चल रहा था कुछ दिन पहले, तो उससे लिए मैं एक शूज का ऑर्डर कर दिया था, तो उसकी डिलीवरी भी आ जाने वाली है। शूज तो लेना ही था, तो सोचा क्यों ना सेल में अगर सस्ता मिल रहा तो ले लेते हैं। तो गाइस, अभी क्या सीन की आज मैं बहुत लेट हूँ और तबीयत बहुत अच्छी हो गई है। तबीयत अभी कुछ काम नहीं है, पहले थोड़ी सी खराब थी, तो आपका बिल्कुल मैं ठीक हो गया हूँ। गाइस आप चलते हैं, फटाफट से ये मेरा पाउच हो गया और इसको चलिए मिंत्रा से मैंने मंगाया था, तो इसकी डिलीवरी डेट आप लोग देख सकते हैं। इसको मैं साइड में रख देता हूँ और उसके बाद में यह देख रहे हो, बेड भी इतना बिखरा पड़ा हुआ है ना गाइस, बेड भी बहुत बिखरा पड़ा हुआ है। जैसे ही मैं तबीयत नहीं सही है तो बस ऐसे ही सो के उठ जा रहा हूँ। यहाँ पे पूमा की ऊपर में ब्रांडिंग पड़ी हुई है, पूमा की ब्रांडिंग है, साइड में ब्रांडिंग पड़ी हुई है, यहाँ भी साइड में ब्रांडिंग है पूमा की पड़ी हुई। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे मैं दिखा दूँ तो ये देख रहे हो प्रॉपर ओरिजिनल लोगो वगैरह है। और अगर आप लोग को चेक कर रहा हो दोस्तों कि यहाँ पे कौन सी है, तो ये आप लोग देख पा रहे हो, ये सीरियल कोड, और इसके अंदर मैं दिखाऊंगा ये सीरियल कोड देख लो, और इसके अंदर में एक सीरियल कोड होता है, वो दोनों मैच कर जाए तो समझ लो कि आप ओरिजिनल है, ये शूज़ है। तो ये हो गए, आपको मैं इसको दिखा रहा हूँ। ओह माय गॉड, काफ़ी टाइम बाद मैं इतना ज़्यादा इन्वेस्ट किया हूँ इस शूज़ पे। OMG भाई, ये शूज़ तो काफ़ी सही लग रहा है। आप लोग ऑनलाइन कभी भी मंगवाओ शूज़ को, फिर आप लोग एक बार अच्छे से चेकआउट कर लेना बराबर से, डिटेलिंग में कोई कमी नहीं तो रह गई है, डिटेलिंग में कमी नहीं रहनी चाहिए। अगर थोड़ी सी भी अगर इधर उधर रहे, यहाँ पे देख लो कितनी अच्छी क्वालिटी है, डिटेलिंग है। यहाँ पे सोल की भी देख लो, सोल भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। और मैं आपको बताता हूँ देख के कंफर्ट कैसे लग रहा है। ये हो गए और ये दोनों शूज़ हो गए। चलो डब्बे को साइड में रखते हैं और देख लेते हैं कि शूज़ कैसी आखिर आई है हमारी। ये दोनों शूज़ रह गए और इसके जो सोल रह गए, सोल देख लो, अभी बड़ी सोल भी बहुत मस्त, मुझे ग्रिपिंग तो बहुत अच्छी लग रही है इस शूज़ की। और आप लोग बाकी कमेंट करके बताओ कैसी लग रही है शूज़, आपके भाई पे अच्छा आएगा या नहीं आएगा। सॉफ्ट फोम की यहाँ पे ब्रांडिंग दे रखी हुई है जो एकदम सॉफ्ट लगता है इस पे, ये पीछे में ऐसा फोम रहता है और इसके अंदर आपको कुछ ऐसा सोल दो देखने को कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलता है। और मैं इसकी बात कर रहा था, कहीं आप देख रहे हो 973 लिख रखा है ना यहाँ पे, लास्ट के 4 डिजिट देख लो, 7973 है और ये लास्ट के डिजिट अब ये देख लो 7973 है। तो गाइज ये एक डिफरेंस होता है, एक ये डिफरेंस होता है कि आप यहाँ से चेक कर सकते हो। बस दो चीज़ों को आप देख लो चेक करके कि दो चीज़ें आपको कैसी आ रही है इसके अंदर में। गाइस मैं यहाँ पे शूज ट्राई कर रही हूँ, यहाँ पे देखिए मेरी बहन क्या कर रही है, देखिए यहाँ पे ये फोन पे लगी हुई है, कब से एक घंटे से बोल रहा हूँ कि छोड़ दो फोन छोड़ दो, और मैं यहाँ पे दोनों शूज में पहन के भी होते हैं। और आप लोग बताओ देख करके ऐसे लग रहे हैं शूज। गाइस मैं अब आ रहा हूँ छत के ऊपर, तो मैंने सोचा कि ऊपर में घूम लेता हूँ, यहाँ पे धूप भी काफ़ी कम हो गया है एक्चुअली, में थोड़ा सा धूप है बचा हुआ, एक्चुअली शाम भी काफ़ी हो गया है ना थोड़ा, और धूप यहाँ पे है नहीं बिल्कुल भी। यहाँ पे देखो अभी भी आकर के ये फ़ोन पे लगी पड़ी हुई है। शूज में काफ़ी एक्चुअली कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा है, कंफर्ट अच्छे से मिल रहा है। तो 4100 का पड़ गया, तो आप लोग बता रहे ज़्यादा कुछ डिस्काउंट हो नहीं पाया, उसके 2 दिन बाद इसका प्राइस और ज़्यादा ड्रॉप हो गया था। तो आप लोग बताना कि कैसा है ये शूज़। यहाँ पे दूध नहीं मिल पाया है, तो यहाँ पे हम लोग मदर डेयरी गैस पे आ गए हैं और यहाँ पे दूध मिल्क मशीन से 500 ml डालने पे, यहीं पे डालना 500 ml। अरे इसी पे है सब, गाय का ही दूध है। हाँ तो ये 500 ml इसमें देता है, उससे 500 ml देता है, 3 मशीन है, 3 अलग अलग, सब एक ही गाय का दूध देता है, पूछ लियो जाके, फिर इसको मेरे किसी बात पर भरोसा होता ही नहीं है।
हो गए मजे हो गए हो गए। और एक और डाल, हमने तो यहाँ से दूध ले लिया है, आप फटाफट से चलते हैं घर पे। वही तो रहा कौन ना, हमको सर्दी हो रखा हमें। हो गया भैया पनीर, हो गए चल, हो गया आज रात के 12 बजने वाले हैं और मैं सब कुछ ऑलमोस्ट काम सारा मैं कंप्लीट करके अभी रूम के अंदर आ गया हूँ। एडिटिंग मेरी फाइनल हो गई है। इस वाले ब्लॉग को गाइज यहीं पे एंड करते हैं और आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए और इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा इस वीडियो को गाइज फैला दीजिए, बहुत फैलाइए गाइज। और आप लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है गाइज। और आप लोग अपना ऐसे ही प्यार बनाए रखिए गाइज, और आप लोग की प्यार की ज़रूरत है तो आप लोग अपना प्यार कम नहीं कीजिएगा, प्यार हमेशा बनाए रखिएगा गाइज। और आप लोगों को जैसी भी कंटेंट चाहिए आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं वैसा आप लोगों को देने की कोशिश करूंगा आउटपुट। लव यू गाइज, बाय बाय।